और रुको करेंगे इस वक्त, एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। बड़ी खबर, संसद सदस्य महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है, संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश कर दी गई। बीते दिनों एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब भी किए थे, उनसे काफी सारे सवाल पूछे थे और उसके बाद उस रिपोर्ट को आज सदन में रख दिया गया। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से हटाने की सिफारिश की गई थी और अब बड़ी खबर आई है, महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है और उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है। सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। पैसे लेकर सवाल पूछने की आरोपी महुआ मोइत्रा की मुश्किल बढ़ गई है, उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जांच हुई बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर, एथिक्स कमेटी ने उनसे पूछताछ की, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, महुआ मोइत्रा को भी बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए। हालांकि बाद में उन्होंने इसको लेकर भी एथिक्स कमेटी को घेरा और कहा कि उनसे बेहद निजी सवाल किए जा रहे थे, जानबूझ के उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इस पूरे आरोप को उन्होंने पॉलिटिकल बताने की कोशिश की, लेकिन एथिक्स कमेटी ने उनसे पूरी तरह से इंटरोगेशन किया, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इस रिपोर्ट को आज टेबल किया पार्लियामेंट के अंदर। बाकायदा प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द करने का यह प्रस्ताव पास हो गया है, जिसके बाद बतौर पार्लियामेंटेरियन महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है लोकसभा से। जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें महुआ मोइत्रा को बतौर सांसद हटाने का प्रावधान था और उसके बाद ये प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अब एक्स पार्लियामेंटेरियन हो गई हैं। महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक, ये कमेंट बकायदा स्पीकर ने किया है और उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई है, लोकसभा से महुआ मोइत्रा निष्कासित हो गई है। ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, प्रस्ताव पास हो गया, संसद सदस्यता चली गई महुआ मोइत्रा की, विस्तार से बताइए कितने लोगों ने पक्ष में सहमति दी। आज इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज एथिक्स कमेटी ने अपनी सिफारिश की थी और सिफारिश में महुआ मोइत्रा के बारे में तीन में जो मुख्य बिंदु कही गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से अपनी आईडी और पासवर्ड जो है दर्शन हीरा नंदानी के साथ साझा किया था, वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लिहाजा उसमें यह बात कही गई थी कि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द करने के लायक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रिपोर्ट में जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें यह भी बात साथ में कही गई थी कि पैसे और उपहार लेकर सवाल पूछने के मामले में मनी ट्रेल में का मामला बनता है और इसकी जांच जो है वो संसद की समिति को, माफ कीजिएगा, भारत सरकार की एजेंसियों को करनी चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से पैसे के लेन देन की बात हो रही है, मनी ट्रेल की बात हो रही है, पासवर्ड साझा करने की बात हो रही है, इसके कारण जो है एथिक्स कमेटी ने पाया कि यह मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है, ये अब न सिर्फ अपराध से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश जो है वो संसद की एथिक्स कमेटी ने दी थी और अब लोकसभा में इसे पास कर दिया गया, लोकसभा ने जो सिफारिश की थी उसे स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट पेश होने से पहले कांग्रेस की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया, कहा गया कि कम से कम 4 से 5 दिन मिलने चाहिए इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। महुआ मोइत्रा भी काफी आक्रामक नजर आई थी, अभी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष की ओर से लगातार इसको इस तरह के जो सिफारिश थे उसके खिलाफ कोशिश की गई थी, जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से संसद का सत्र सोमवार से शुरू हुआ था उसी दिन यह जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था उसमें इस बात की रिपोर्ट को रखा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से इसे पेश नहीं किया जा सका था। 4 तारीख को इसे पेश होना था लेकिन टेक्निकल रीजन से यह पेश नहीं हो पाया और 8 तारीख को यह पेश हुआ है, जिसमें इसे न सिर्फ स्वीकार कर लिया गया है बल्कि अब स्वीकार करने के बाद महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, सदस्यता खत्म हो गई है। एक और महत्वपूर्ण बात, अब सांसद नहीं रही महुआ मोइत्रा, क्योंकि यहाँ पर जो हीरा नंदानी से आईडी पासवर्ड शेयर करने की बात है, पैसों के ट्रांजैक्शन की बात है, तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा ये मुद्दा है, तो अब किस तरह की जांच या केस उन पर चलाया जाएगा? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि
ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, साथ ही साथ मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी है वो इसको लेकर के जांच करेगी। जिस तरह से एक और जांच जो है या तो सीबीआई के द्वारा की जा सकती है, या फिर अगर मनी ट्रेल की बात होती है तो ईडी जो है वो इसकी जांच कर सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें जो केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो इसको लेकर के जांच जो है वो अब करेगी। जी विनीत, जल्दी से एक बात और बताइए कि महुआ मोहित्रा अभी कहाँ है? जी महुआ मोहित्रा जो है वो दिल्ली में ही है, और हालांकि बहुत संभव है कि वो संसद भवन में ही हो। हम लगातार उन्हें ट्रैक कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि न्यूज 18 ही सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है महुआ मोहित्रा की वो दर्शकों को दिखाएगा। जी बिल्कुल, आप ट्रैक कीजिए, लेकिन इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर घिरी कैसे महुआ मोहित्रा? एथिक्स कमेटी, उन्होंने बातचीत की महुआ मोहित्रा से, कैसे इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और कौन से डॉट्स थे जिसके बाद सिफारिश की गई कि अब सदस्यता खत्म करनी चाहिए महुआ मोहित्रा की? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हीरा नंदानी की ओर से भी एक चिट्ठी लिखी गई थी और उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं में जो उन्होंने जो पासवर्ड है वो जो है वो शेयर किए गए थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एथिक्स कमेटी है उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से भी इस बारे में जानकारी ली थी कि क्या जो महुआ मोहित्रा का जो लॉग इन पासवर्ड है वो कहाँ से लॉग इन पासवर्ड हुआ था। तब यह जानकारी सामने आई थी कि दुबई से जो है वो लॉग इन पासवर्ड जो है वो सामने आया था, और उसके बाद You have assumed the powers of a quasi judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality. You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and in the Ministry of Home Affairs is giving them clearance. Ramesh Bidouri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only sent one Muslim to Parliament. Ramesh Bidouri stood up and told Danish Ali, if I women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I'm 49 years old, I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hang hingstra manumikata jodi I will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, never meant to do. ऐसा कार्य मैंने नहीं किया है, मैं नहीं ऐसा कर सकती, बल्कि रमेश बिदूड़ी ने जो संसद के अंदर किया वो मेरे से ज्यादा बड़ा ऑफेंस था। निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया दी जा रही है और वो काफी नाराज है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इसकी रिपोर्ट जो है वो एथिक्स कमेटी जो अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी, और उससे पहले एथिक्स कमेटी के साथ आपको रोक रहा हूँ, बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, महुआ मोहित्रा के व्यवहार को अनैतिक माना गया, उनकी सदस्यता चली गई है, लेकिन अभी वो मीडिया से बात करते हुए काफी आक्रामक हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अनैतिक व्यवहार मानना ही है तो फिर रमेश बिदूड़ी के व्यवहार को अनैतिक क्यों ना माना जाए। बहुत चिल्लाने से या अंग्रेजी बोलने से, पटाखेदार चीखने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता है। ये देश संविधान से चलेगा और लोकसभा और राज्यसभा परंपरा, राज्यसभा और लोकसभा की नियमावली से चलेगा। इन्हीं आशंका होने की वजह से एथिक कमेटी और अनप्रिविलेज कमेटी दुनिया भर की कमेटी बनाई गई है जो सर्वदलीय होती है, और वहां पर वर्डन ऑफ प्रूफ महुआ जी को पूरा दिया गया था। वहां पर भी उनके इसी उग्र स्वभाव से उन्होंने उसका बायकॉट किया, अपनी बात को नहीं रखा। उनको पर्याप्त अवसर दिए गए थे कि वो अपने बेगुनाही होने के तमाम सबूत दें। इसके बाद एथिक कमेटी ने जो रिपोर्ट संसद में दी वो संसद में रखी गई, और ध्वनिमति से माननीय स्पीकर साहब ने ध्वनिमति से सदस्यों की भावनाओं को रखते हुए जो बहुमत था उसके आधार से निर्णय लिया। बघेल जी, वो अब भी अदानी के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, मीडिया के सामने सफाई पेश कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है, और यही यही वो मुद्दा है जहां पर सवाल पूछने पर सवाल उठे महुआ मोहित्रा। चिल्लाने से कोई ये नहीं हो जाता कि वो बेगुनाह है। सबको पता है, लेमेन को भी पता है कि ये इस प्रकार से सवाल पूछना, सवालों में एक हिडन एजेंडा हो,
और अपना पासवर्ड किसी को दे दिया जाए, ये सब उचित नहीं है। लोकसभा की एक लोकसभा की गरिमा को भी कम किया है, माननीय सदस्यों की गरिमा की, और हम सब लोग सबके दायरे में आ जाते हैं जब हमारा कोई कभी इस प्रकार की घटना करता है। अभी तो सर उनकी सदस्यता चली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत।